हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस फार्मूला सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेस फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। तो हमारा पहला फार्मूला जो है पहला फार्मूला है ज़ेनर डायोड पे। तो ज़ेनर डायोड पे जो क्वेश्चंस है हमारे बुक में, जो एक क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ तीन फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला उसमें जो फार्मूला यूज होता है, पहला फार्मूला ज़ेनर डायोड में, वो है आई जेड मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू ज़ेनर डायोड, है ना। मैक्सिमम करंट, सॉरी मिनिमम करंट का है हमारे बुक में, मिनिमम करंट का है ना। तो मिनिमम करंट फ्लोइंग थ्रू ज़ेनर डायोड इज आई जेड, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू ज़ेनर डायोड माइनस आई एल। तो मिनिमम करंट तुमको मैक्सिमम करंट देंगे और आई एल निकालने बोलेंगे, आई एल भी देंगे और आई जेड मिनिमम निकालने बोलेंगे, है ना। दूसरा है वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आई एल का, दैट इज वी जेड अपॉन आर एल। वी जेड यानी क्या है, ज़ेनर वोल्टेज, और आर एल यानी क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आई जेड मिनिमम का, है ना। तीसरा फॉर्मूला हमारे बुक में आई जेड मिनिमम का ही दिया हुआ है, सॉरी आई जेड मैक्सिमम का दिया है, है ना। आई जेड मैक्सिमम का है, आई जेड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, देखो आई एल निकाल लिए, आई जेड निकाल लिए, दैट इज वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस, है ना। अब वी एस क्या है, वी एस यानी सोर्स वोल्टेज, है ना, या अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड रहता है। ये प्रॉब्लम में दिया है कि अनरेगुलेटेड 12 वोल्ट, तो वो है वी एस, और ये है सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, यह है सीरीज रेजिस्टेंस। समझ में आया सबको, ओके क्लियर विद दिस, ओके। नेक्स्ट, करंट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में तीन करंट जो होते हैं उनमें रिलेशन है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसको हम लोग कहते हैं एमिटर करंट, ये है बेस करंट, और ये है कलेक्टर करंट, ठीक है। तो ये तीनों में ये रिलेशन है। अब अगला कंसेप्ट है करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले डीसी करंट गेन, दो डीसी करंट गेन्स हैं, है ना। सबसे पहला है अल्फा डीसी, जिसका फॉर्मूला है आई सी अपॉन आई ई, और दूसरा है बीटा डीसी, जिसका फॉर्मूला है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। ये हो गया डीसी करंट गेन। अब इन दोनों का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज अल्फा डीसी इज बीटा डीसी अपॉन वन प्लस बीटा डीसी, एंड बीटा डीसी इज अल्फा डीसी अपॉन वन माइनस अल्फा डीसी, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। और अब बात करेंगे एसी करंट गेन्स की। इसका एज सच कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज नहीं हुआ है, ये ही फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल्स में यूज हुए, ये सिर्फ याद रखना है हमको, है ना। तो अल्फा एसी, है ना, अल्फा एसी जो है वो आएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई। बस डेल्टा लगाना है इनके सामने, क्योंकि अल्फा अल्फा एसी, एसी यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता है ना, तो अपन करंट का वैल्यू चेंज होता है, तो चेंज होता है इसलिए अपन वहां पे चेंज ले लेते हैं, ओके। तो बीटा डीसी का फॉर्मूला शायद तुम ही बता दोगे, दैट वुड बी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, ठीक है। कुछ नहीं, यही फॉर्मूलेस के आगे डेल्टा लगा देना है, तो वो हो गए एसी करंट गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर ये कॉमन एमिटर मोड में, कॉमन एमिटर मोड में जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस वो रहेगा डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी आर आई, इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस,
और आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर ओ इज डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी, है ना। ये वैल्यूज एम सी क्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वोल्टेज गेन, है ना। वोल्टेज गेन का तीन वोल्टेज गेन के तीन फॉर्मूलेज हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दूसरा माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा वी सी ई अपॉन आर आई इंटू डेल्टा आई बी, ठीक है। तीसरा है माइनस बीटा ए सी इंटू आर एल अपॉन आर आई, ठीक है। इनके डेरिवेशंस अपने बुक में दिए हैं तो यू कैन नोट डाउन। ओके, ये हो गए सारे फॉर्मूलेज ऑफ वोल्टेज गेन, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट गेट। अब गेट्स भी मैंने इसके अंदर ले लिए, गेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूमेरिकल्स बट उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने नॉट गेट सभी गेट्स इंक्लूड कर लिए। नॉट गेट यानी क्या होता है, वो गेट जो आउटपुट जो इनपुट का उल्टा कर देता है वोल्टेज लेवल, है ना, हाई को लो कर देता है, लो को हाई कर देता है, ठीक है। नॉट गेट का सिंबल है इस तरीके का, और इसका जो ट्रूथ टेबल है ना, ये है इनपुट ए या आउटपुट वाई, तो ए वाई ट्रूथ टेबल बना लो, 0 1 का 1 0 कर डालते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बार, सिंबल ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन, ऐसे ही हम लोग फॉर्मेट रखेंगे अब पूरे इसमें, सिंबल ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है OR गेट। OR गेट में स्टेटमेंट पूछा तो ये लिखना है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई और बोथ द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट ऑफ द गेट इज हाई, ठीक है। यानी अगर कोई भी एक इनपुट हाई है या फिर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई होता है, ठीक है। अब सबसे पहले किसकी बारी आती है, सिंबल की। इसके अंदर दो इनपुट, ये कर्व बनाना, ऐसा ही ये लिख देना, ऐसा बना लेना, तो ए बी और वाई, ये हो गया सिंबल, स्टेटमेंट सिंबल ट्रूथ टेबल, है ना, ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब अगर कोई दोनों इनपुट हाई है आउटपुट हाई, एक भी हाई तो आउटपुट हाई, ये हाई ये लो। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई और बोथ द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज हाई, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरीके का, ठीक है। सभी ने नोट डाउन कर लिया। एंड गेट, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो और बोथ द इनपुट्स आर लो देन द आउटपुट ऑफ द गेट इज लो, अगर एक भी लो है या दोनों लो है तो आउटपुट लो रहेगा, और का उल्टा है ना, एक भी हाई दोनों हाई आउटपुट हाई, एंड में एक भी लो दोनों लो तो आउटपुट लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका सिंबल डी बना लेना एक अच्छे से, ठीक है, ए बी और वाई, ट्रूथ टेबल ये हो गया ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इसका ट्रूथ टेबल आएगा 0 0 0 1, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन आएगा बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, समझ में आया सबको। NAND गेट, NAND गेट का देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ द गेट आर हाई देन द आउटपुट ऑफ द गेट इज लो, अगर दोनों हाई है तो आउटपुट लो रहेगा, अगर दोनों हाई है तब ही आउटपुट लो रहेगा, बाकी टाइम आउटपुट हाई रहेगा। ओके, इसका सिंबल ये क्या है, NAND है ना, तो ऐसा और आगे ये डॉट लगाना है, बस एंड के आगे एक गोला लगा देना है, गोला है ना, तो ए बी और वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट है, बाकी टाइम लो, समझ में है, नोट डाउन कर लो सब लोग। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया ना, मुझे लगा लो बाकी टाइम आउटपुट है, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ
मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा गलत क्यों दिया था बुक में, है ना। ठीक है, सॉरी, इसका ये रह गया बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय। हाँ याद रखो, बता दे रहा हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार। ओके, समझा सबको। नेक्स्ट, और गेट, इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ द गेट आर लो देन ओनली द आउटपुट ऑफ द गेट इज हाई। उल्टा हो गया, नैंड से उल्टा, है ना। देखेंगे अपन इसको, और गेट बना, उसके आगे गोला लगा दो, ये हो गया इसका सिंबल ABY 0011 0101। क्या कहा है, इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ द गेट आर लो देन द आउटपुट इज हाई बाकी टाइम इट इज लो। और का उल्टा हो जाता है ना। ये स्टेटमेंट्स याद रखना पड़ता है क्योंकि ये ऐसे के ऐसे लिखने पड़ते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है याद रखने के अलावा। इसका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। अगेन एमसीक्यू के लिए याद रखो, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ठीक है, चलो लास्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एक्सऑर गेट, और वो ये सीरीज का लास्ट, वीडियो का लास्ट न्यू फॉर्मूला है। क्या कहा है, एक्सऑर गेट ब्यूटिफुल गेट, द आउटपुट ऑफ द एक्सऑर गेट इज हाई ओनली वेन बोथ इट्स इनपुट आर हैट डिफरेंट लॉजिक लेवल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। पहले इसका सिंबल बता दे तो ट्रूथ टेबल से समझाऊंगा। देखो ऐसा है ना, और है ना, तो ए बी और का जैसे बनाया है, बस एक एक्स्ट्रा डंडी ऐसी है। ठीक है, ट्रूथ टेबल से ये स्टेटमेंट जल्दी समझ में आएगा। देखो जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है। इनका क्या बोलना है, आउटपुट तभी हाई है जब दोनों इनपुट अलग अलग हैं। अब ये देखो, ये दोनों इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट हाई, दोनों इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट हाई है, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो। समझा क्या, अगर दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो रहेगा, दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट हाई रहेगा। समझ में आया। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ए प्लस क्या जो जो गोला बी, दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखो, लेकिन एग्जाम में ये वाला लिखना है। ठीक है, सो ये थे हमारा सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेस बेस्ड ऑन चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद में तो ये सीरीज खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कौन सा नया सीरीज चालू करना है। Till then, bye everyone. Happy learning. Bye.